करण, तुम सो नहीं अभी तक? करण, मैं देख रही हूं तुम ये शिप के मामले को लेकर बहुत परेशान रहने लगे हो। क्या बात है? कुछ सो जाओ तुम। करण सुनो मेरी बात, देखो इधर, देखो ना इधर, क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं कभी भी किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, किसी को दुख नहीं देना चाहता। मैं जानती हूँ, मेरे करण के सीने में सोने का दिल है। और तुम ये भी जानती हो कि मुझे अगर कोई बिना वजह नुकसान पहुंचाए तो उसे मैं छोड़ता भी नहीं हूं। मुझे वो भी पता है, तुम्हें ये बुरी आदत है। बिना वजह उस लंकेश ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, मुझे फंसाने की कोशिश की उसने। जब तक मैं उसे सबक ना सिखा दूं तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम उसे सबक सिखा लेना, अभी तो सो जाओ। तुम सो जाओ, मैं सो नहीं सकता अभी। सो जाओ। करण, तुम राज भैया को लंदन भेज रहे हो, क्या तुम्हें लगता है वो इतने बड़े मामले को हैंडल कर पाएंगे? ऑफ कोर्स हैंडल कर पाएंगे। एक तो मेरी चोरों का भाई है और दूसरा काबिल है, लाइक। और सबसे बड़ी बात सुमन, वो ईमानदार है, आई कैन ट्रस्ट। Hi, good morning, Jenny. Roma here. Jenny, can I speak to Mr. Kapoor? Sorry, Roma. वो इस वक्त मीटिंग में, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। Please, Jenny. Please try to understand. Cover story के लिए मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है और सप्लीमेंट की डेडलाइन भी बहुत नजदीक आ रही है। Please, Jenny, try to understand. It's a question of my job. ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। Just a moment. Sir, Roma line पे। All right, sir. Hi Roma, कल सुबह 11 बजे ठीक रहेगा? Great, yes, I can be in the office tomorrow by 11 o'clock. मैं जरूर 11 बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊंगी। See you tomorrow then. Take care. Bye bye. Hello. Hello, come in. Please sit down. Betty. Thank you. Some tea, coffee? No, thank you. Tea, coffee के लिए तो हमारे पास काफी वक्त है। मिस्टर कपूर, आप जानते हैं कि सप्लीमेंट की डेडलाइन नजदीक आ रही है। You'll have to give me more time for the cover story. I know that. I'll do that. Yeah. Shoot. मिस्टर कपूर, पिछली बार जब मैं आपसे मिलकर गई थी तब से मैं निशी के बारे में सोच रही थी। बड़ी अजीब लड़की थी वो। उसे अपनी शादी से ज्यादा आपके बहनों की शादी के बारे में फिक्र रहती थी और अपने जान से पढ़कर हर वक्त आपके लिए परेशान रहती थी। What a strange girl. बड़ी अजीब थी वो। अजीब नहीं, अनोखी थी, बहुत अनोखी। सर से पांव तक कुर्बानी थी वो, कुर्बानी। कभी कभी मेरी बहनों के लिए वो मां का रूप धारण कर लेती थी, कभी मेरा दोस्त बनकर मेरा हाथ थाम लेती थी वो, कभी नटखट भोली भाली लड़की बन जाती थी और कभी बुजुर्ग का रूप धारण करती थी। उसकी हर लफ्ज में, हर शब्द में मिठास थी, अमृत था। उसकी हर अदा में जीती जागती हस्ती खेती जिंदगी थी। इनफैक्ट
She was life herself. Come on, Karan. Quick. बताओ इतनी परेशान क्यों हो? कम से कम परेशान तो मुझे होने दिया करो थी। बात नहीं। अच्छा ये बता, तुमने इतने सारे इंटरव्यूज दिए, उनका क्या हुआ? ये हुआ, ये, ये, ये। इतनी जगह मैंने अप्लाई किया है, एक भी जगह में सेलेक्ट नहीं हुआ। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या फायदा इनका? क्यों इकट्ठा करके रखे इतने सारे कटिंग्स? इसलिए निशी कि आज इनका वक्त है, कल मेरा वक्त होगा। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा निशी। I'll pay them back in their own coins. ये दुनिया है करण, जब वक्त अच्छा हो तो मिट्टी को हाथ लगाओ सोना बन जाती है, लेकिन जब वक्त बुरा होता है तो सोने को हाथ लगाओ मिट्टी बन जाती है। तुम्हारा भी अच्छा वक्त आएगा, बहुत जल्द आएगा। बिलीव मी। कब तक मुझे ऐसी झूठी तसल्लियां देती रहोगी? बच्चों की तरह मेरा दिल बहलाती रहोगी? हाँ, जब तक तुम मुस्कुरा नहीं देते, हंस नहीं देते। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि तुम जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आई, मुझे हिम्मत देने के लिए, मेरा सुख दुख बांटने के लिए। मस्त पिए तेरी लकी मैन। करण, जब मैं तुमसे मिलकर घर जाती हूँ तो अपनी माँ का सामना नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी आंखों में बार बार मेरे शादी का सवाल उभर आता है। मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाती, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं। जया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। And now you smile. Come on, smile. और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक दिन उसकी मम्मी ने मुझे घर बुलाया और मैं गया। मम्मा, जैसा मैंने आपसे कहा था, ही इज करण। करण, मीट माय मम्मा। हेलो। बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, निशी अक्सर तुम्हारे बारे में जिक्र करती रहती है। और वो मेरे बारे में अच्छा कहती है आपसे कुछ? नहीं, जितनी वो तुम्हारी तारीफ करती है, तुम यकीनन उससे बहुत ज्यादा अच्छे हो। थैंक यू। करण, तुम और निशी अभी बच्चे हो, ना तो तुमने दुनिया को देखा है और ना ही इसे समझा है। मैं समझा नहीं। समझोगी भी कैसे, तुमने जिंदगी को जिया ही कब है? ये खूबसूरत नजर आने वाली जिंदगी जी कर देखो, तुम्हें खून के आंसू रुला देगी। जी, निशी के डैडी की डेथ के बाद मैंने बड़ी कठिन जिंदगी गुजारी है। आई बीन थ्रू हेल। वो थे तो हर तरह का आराम ऐश मेरे कदमों में ढेर कर दिया करते थे। आलिशान बंगला, नौकर चाकर, हर तरह का ऐश आराम। और अब ये घर, मैं और मेरी बेटी निशा। मैं नहीं चाहती कि निशी तुमसे शादी करके मेरी तरह बेबसी और लाचारी की जिंदगी गुजारे। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? निशी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम शादी करेंगे और मैं उसे बहुत अच्छे से रखूंगा। आखिर मुझ पे कमी क्या है? कमी है? क्या तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है? नहीं। नौकरी है? नहीं। कोई जायदाद? नहीं। फिर तुम किस मुंह से मेरी बेटी का हाथ मांगने यहाँ आए हो? दुनिया की ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी का हाथ किसी राह चलते रोमियो के हाथ में देना पसंद करेगी? मामा, यू शराब, ऊपर जाओ।
करण, डोंट यू डेयर सी माय डॉटर अगेन। आज के बाद उससे मिलने की कोशिश मत करना। उसके बाद आप कभी निशी से मिले? नहीं, नहीं मिला। एक हफ्ते बाद ये मुझे मिला। निशी वेट्स प्रमोद। Mrs. N. Mehta cordially invites you to bless the couple and grace the occasion on February 27th, 1985. Mr. Kapoor, yes. आपकी आंखों में आंसू? परसों हो गए अपनी अरमानों की समाधि पर रोते हुए, बेवफा आंसू आज निकले। What's the next question? लंकेश, क्या सोच रहे हो तुम? बड़े परेशान नजर आ रहे हो। परेशान वो शख्स होता है जो अपनी परेशानी खुद नहीं सुलझा सकता। एक बात पूछ सकती हूँ? जरूर, कभी मना किया है मैंने क्या? मना तो नहीं किया है, मगर जवाब भी नहीं दिया है। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे सवाल अधूरे होंगे। लंकेश, तुम्हें क्या डर नहीं लगता? तुम्हारा जहाज पकड़ लिया गया है, गुड्स पकड़े गए हैं, पुलिस तुम्हें कभी भी पकड़ सकती है। तुम्हें क्या इस बात का जरा भी डर नहीं है? कम, तुम्हें याद है कि हमने बरसों पहले एक पौधा लिया था? यह पौधा जब मैंने लिया था यह इतना सा था, नन्ना सा। बहुत देखभाल करनी पड़ी थी इसकी। अरे, इसके तो एक पत्ते पर कीड़ा लग गया है। ऐसे में इस पत्ते को काट दिया जाता है। लंकेश वन सुचेता मेरे लिए ऐसा ही पत्ता था। ऐसी चीज थी मेरे लिए। लंकेश, अपने गुस्से पर काबू रखो। आखिर तुम्हारी करण से इतनी दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी कहाँ है दुश्मनी? जूस तुम्हारे लिए। नाश्ता तो लाओ ना यार, फटाफट, भूख लगी है। परांठे वरांठे? पराठा वराठा कुछ नहीं, कल अपना वेट देखा, पूरा 425 ग्राम ज्यादा है। अब मैं भूखा जाऊंगा ऑफिस क्या? आज से सिर्फ जूस। कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता? एक ग्लास लस्सी का मिल जाए तो कितना अच्छा है। बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ जूस। हिटलर कहते हैं तो फिर। राज भैया का फोन आया था। क्या कहता है? बहुत बड़ा अमाउंट मंगाया है। That's nice. मतलब कि लंकेश 2 का जो सौदा था वो तय हो गया। लंकेश 1, अब लंकेश 2। करण, तुम इस खेल को कुछ ज्यादा ही नहीं खेल रहे हो, खत्म कर दो इसे। खत्म करने के लिए तो खेल रहा हूँ मेरी जान, तुम नहीं समझोगी। जरा अपनी तरफ देखो, क्या हालत हो गई है। हमेशा उलझे उलझे और परेशान रहने लगे। ये सब बिजनेस में होता रहता है। It's all part of business, alright? Don't worry about it. तुम अच्छी खासी अपनी कंपनी चला रहे हो, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की एजेंसीज हैं तुम्हारे पास, फिर ये शिपिंग लाइन का बखेड़ा क्यों मोल ले लिया तुमने? मुझसे एक बार किसी ने कहा था कि बिजनेस में असल चीज अपना नाम, अपना ब्रांड नेम होता है। और सुमन, कहीं ना कहीं ये चीज मुझे आके चुप गई, ये बात, क्योंकि बात ठीक थी। वो तो ठीक है, मगर देखो सुमन, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की एजेंसी जरूर हैं, लेकिन जो माल बिकता है वो मेरे नाम से नहीं बिकता, वो सिर्फ वो ब्रांड नेम या उस कंपनी के नाम से बिकता है। फर्ज करो कि कल ये कंपनीज अपनी एजेंसी मुझसे वापस ले लें,
तो मैं क्या हूँ? एब्सोल्युटली जीरो। इसी को तो बिजनेस कहते हैं, ब्रांड किसी और का, मेहनत किसी और की। जो उस आदमी ने कहा था वो बहुत ही सही कहा था। एक मिनट करें, वो आदमी कौन है? तुम्हें उसे जानने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी करण, भगवान ने जो हमें इतना सब कुछ दिया है, क्या वो कम है? बहुत कम है, क्योंकि जितना टैलेंट मुझे ऊपर वाले ने दिया है उसके हिसाब से तो मैंने अभी तो कुछ भी नहीं किया। अभी तो मैं कामयाबी की पहली सीढ़ी पर हूं, अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। और मैं अपने ऊपर वाले को निराश नहीं करना चाहता। I don't want to let down my confidence. Labiba, we have made it. We are on the top of the world. I'm so happy, Labiba. Oh, Labiba, you're the only person who really understands me in the world. Let's go out for dinner. Dine and wine. I hope you don't mind. What about your wife? She will mind. She is a bloody big problem. No problem. She is busy out with the shopping. Let's make it, Labiba. Let's make it. I think you should call Mr. Kapoor first. That is the first thing I must do. You're right. Just give me the line. Okay. Thank you. My, your eyes, lovely eyes. I have never seen such a beautiful eyes. And such a gorgeous looking young lady you are, Labiba. Hello, Biju. Yes, I'm fine. Yes, we are through. We have made it. Ship mere naam pe ho gaya hai. Bas aap jaldi se aa jaiye, aapke naam pe transfer kar dete hain. Yeah, we have made it. Congrats. Oh, Labiba is... Mona. Haan, mera bank balance kam kar rahi hai. Busy out with the shopping. Aapko hansi aa rahi ji? Anyway. Okay, come fast. Waiting for you. The boss is coming. Before he comes, let's go out. Let's go out, Labiba. You're a darling person. Let's go out. एक बात का ख्याल रखना। नॉट का? नहीं बाबा, किसी और शिप की तलाश में मत निकल जाना। कौन सी शिप की बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम जानते हो मैं किस शिप की बात कर रही हूँ। हे जान, जिस शिप का तुम्हारा जैसा एंकर हो वो शिप कहाँ जाएगा? चले।